सबसे पहले लिखो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे सेट है आपका 1 2 3, और सेट बी है आपका ए कोमा बी। तो यदि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, यदि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये आ गया 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। यदि मुझे ए क्रॉस ए निकालना है क्या आएगा बोलो, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3, 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, 3 कोमा 3, ये आपका क्या आ गया ए क्रॉस ए। लिखो यहाँ पर तो ये हो गया आपका ए क्रॉस ए। इस तरह से हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो गया, 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 6। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस है 9। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस बी 4। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे आप। तो ये हो गया भाई कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अच्छा, यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए, पे इक्वल टू 5 या बी इक्वल टू 5, दोनों में से कोई भी 5 होगा तो बेटा ए क्रॉस बी भी हमेशा किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा।
ए क्रॉस बी भी हमेशा फाई के इक्वल होगी। कोई भी एम्प्टी फाई मतलब एम्प्टी सेट, यदि कोई भी दोनों में से एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट होगी। क्लियर क्लियर। यस सर। चलिए अब आ जाइए हमारा टॉपिक रिलेशन। टॉपिक अब चालू हो रहा है रिलेशन। रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर सबसेट ए क्रॉस बी। जो भी रिलेशन आर है वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। रिलेशन आर हमेशा किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। कैसे होगा ये एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, आर रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये हमारा रिलेशन है। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3, और बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो आर क्या है? ए कोमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। तो देखो कैसे करेंगे समझना। 1 डिवाइड्स 3, सही है गलत है? सही है। 1 डिवाइड्स 4, सही है। 1 डिवाइड्स 5, सही है। 2 डिवाइड्स 3, गलत। 2 डिवाइड्स 4, सही है। 2 डिवाइड्स 5, गलत है। 3 डिवाइड्स 3, सही है। 3 डिवाइड्स 4 नहीं आएगा, 3 डिवाइड्स 5 नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या आया? रिलेशन आ क्या आया? अब यदि मैं ए क्रॉस बी निकालू तो ए क्रॉस बी आएगा 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो भी आर के एलिमेंट आए हैं वो किसमें से आए? ए क्रॉस बी में से। तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर किसका सबसेट हो गया? ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। इसे बोलते हैं सबसेट। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, लिख लीजिए। पहले इसमें सबसेट के लिए इक्वल टू साइन का क्या रोल है? बेटा इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आर ए क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है तब आपका इक्वल टू लगाते नीचे। अभी इक्वल टू तो आ नहीं रहा हाँ इसलिए नहीं लगाएंगे। ओके साहब। लिखा एक्सक्यूज मी सर, बोलो। अरे सर यार कैसे निकाला? यार पूरी है ना, रामायण हो गई पूरी।
मतलब सब कुछ हो गया उसके बाद बोल रही है आर कैसे लूंगी, हैं क्या करती है यार, से कहाँ ध्यान रहता है तेरे, हैं सॉरी दी क्या, क्या लिख रहा है ये, सर ए डिवाइड्स बी, ए किसका एलिमेंट है, ए कहाँ से कैपिटल ए लेना का, है, सेट ए का, और बी में सेट ए बोल का। यहां से बोल 1/3, क्या 1/3 हाँ को डिवाइड कर रहा है, अरे हाँ ये हाँ है, हाँ तो ये लिख यस दिया, सर, 1/4 यस सर, लिख दिया, 1/5, यस सर। अच्छा 2/3, सर आ गया, हाँ आ गया आ गया, वही सॉरी। तो बोल रहा हूँ ना कि कहाँ थी वे? चलिए एक अब लिखो, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट देन या डोमेन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज कॉल्ड डोमेन। अभी एक एग्जांपल लेके समझा देंगे, कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, यदि रिलेशन ए से बी तक है तो सेट बी आपका कोडोमेन कहलाएगा। रेंज, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज कॉल्ड रेंज, उसको हम रेंज बोलेंगे। अभी एग्जांपल लेके समझा देंगे, पहले लिख लीजिए, तो ये हमारा रेंज आ गया। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 1 मार्क में आ सकता है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर mn, जहां नंबर ऑफ से एलिमेंट ऑफ इन एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एन है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दिस इज इक्वल टू 2 की पावर mn, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n² ए के अंदर एन एलिमेंट है, तो एन इंटू एन क्या हो गया, 2 की पावर n² नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए 2 की पावर n²
लिख लीजिए आप। इफ सेट ए इक्वल टू 2 - 3 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है सेट ए के अंदर। नंबर ऑफ रिलेशन तो 2 की पावर 3 * 3 कितना आ गया, 2 की पावर 9 5 1। तो इसके नंबर ऑफ रिलेशंस आ गए 2 की पावर 9 5 1। इस तरह से निकलेंगे। अभी डोमिनो रेंज निकाल के बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया। एग्जाम्पल, इफ आर इज द रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट x+3y = 15, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमें इसकी डोमेन और रेंज भी निकालना। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब देखो, देखो इधर देखना, यदि मैं वाई की वैल्यू 1 रखता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 12। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, 12,1। और वाई की वैल्यू 2 रखता हूं तो 9, वाई की वैल्यू 3 रखता हूं तो 6।
पाई की वैल्यू 4 रखता हूं तो कितना, 3। बस 5 रख नहीं सकता क्योंकि 0 आ जाएगा, तो बस आपका आर ये आएगा 12.1, 9.2, 6.3 और 3.4। तो इसका डोमेन क्या बोला था, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 12.963 या 3.6912 एक ही बात है। और सेकेंड एलिमेंट रेंज 1, 2, 3, 4। तो इसका रेंज आ गया 1, 2, 3, 4। ये डोमेन और रेंज आ गया भैया। कोडोमेन नेचुरल नंबर पूरे, कोडोमेन वो वैसे पूछेगा नहीं, कोडोमेन पूरे नेचुरल नंबर। लिखो तो ये हमारा डोमेन और रेंज आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले अपन लिख देते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस एम्प्टी रिलेशन, बेटा पाई जो है वो सबसेट होता है एक रो से एक। पाई किसका सबसेट होता है, हमेशा एक रो से। इसलिए हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3 एंड आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 4। ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मुझे दो नंबर का डिफरेंस ए माइनस बी करो, उसका डिफरेंस 4 से ज्यादा आना चाहिए। तो 1, 2, 3 में कोई भी दो नंबर ऐसे ले हैं कि जिनका डिफरेंस 4 से ज्यादा है, नहीं है। तो आपका आर क्या आ गया,
एम्प्टी रिलेशन, इससे बोलते हैं हम कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। सेकेंड यूनिवर्सल रिलेशन, भाई काम के रिलेशन अभी बाद में आएंगे, पहले ये जनरल रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बस ये ऐसा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि एक रो से खुद का सबसेट होता है, तो देयरफॉर यूनिवर्सल रिलेशन एग्जिस्ट, यूनिवर्सल रिलेशन एग्जिस्ट। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 4 5, रिलेशन ऑफ एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमें दो नंबर लेना है जिनका डिफरेंस मॉडुलस पॉजिटिव आना चाहिए, तो बेटा सर आएंगे भाई 2.2, इसका मॉडुलस डिफरेंस कितना है 0, 2.4 2, 2.5 4.2 4.4 4.5 5.2 5.4 5.5, तो दिस इज रिलेशन आर, तो सारे एलिमेंट आ गए, तो ये आर किसके इक्वल आ रहा है, एक रो से एक एक इक्वल आ रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ये हमारा रियली यूनिवर्सल रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन आर बोथ कॉल्ड ट्रायवल रिलेशन, ट्राइबल रिलेशन, इसको हम दोनों को ट्राइबल रिलेशन बोलेंगे। फिर आपको माइट बंदे रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी
आइडेंटिटी रिलेशन, ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यदि एक के सेट, एक के हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड है तो हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3, रिलेशन आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो, यदि मैं इसका रिलेशन निकाल रहा हूं तो 1 कोमा 1, 2 कोमा 2 और 3 कोमा 3, तो इसके हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड है, इसके हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। डेट्स वाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अब ये तीन तरह के रिलेशन तो जनरल रिलेशन जिसके बारे में आपको सिर्फ आइडिया रखना, अब अगले जो भी रिलेशन है उस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहां तक लिख लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव ए। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो पिछले वाले और इस वाले में क्या अंतर है? ओनली नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा? ओनली नहीं लग रहा। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, और एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स इज डिविजिबल बाय 1। अब देखो, हम इसको लिख देते हैं पहले, इस जनरल लिखना बाद में बताऊंगा। बोलो, 1 इज डिविजिबल बाय 1, 1 इज डिविजिबल बाय 2 कोना नहीं, तो 1 3 1 4 1 5 1 6 नहीं आएगा। फिर 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 2, आगे कुछ नहीं आया। 3 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 3, फिर 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 4, 5 इज डिविजिबल बाय 1, 5 इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6, और 6 इज डिविजिबल बाय 6। अब मुझे ये चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बोलो, 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 2,
3 3 4 4 5 5 6 6 सवार है, बाकी और कुछ भी आ रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं। तो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, तो हमारा आर जो है वो सेट ए पे रिफ्लेक्सिव नहीं हो। आपका यदि ए के अंदर 6 आ रहा है और आपका यहाँ 6 6 नहीं आ रहा है तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक भी नहीं आएगा तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अरे आइडेंटिटी नहीं है ना, ये आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी में केवल यही आना चाहिए था 1 1 2 2, बाकी और कुछ नहीं आना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिटी होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए दोबारा कनेक्ट कर लीजिए आप।